नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपावली में। मैं हूं आपकी होस्ट रचना और आज हम बात करने वाले हैं दूध के विभिन्न प्रकार और उनके असीमित फायदों के। दूध एक ऐसा ड्रिंक है जो कि प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है और हम अपनी रोजाना डाइट में इसे ज़रूर शामिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध के भी कई प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ नुकसानदायक होते हैं तो कुछ बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर नहीं तो इस वीडियो में हम आपको सभी तरह के दूध के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही आपको दूध के फायदों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं दूध से संबंधित सभी जानकारी के बारे में। हम आगे बढ़ें इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बना लीजिए इसे अपना चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क और उनके बेनिफिट्स की। अगर मैं बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करूं मिल्क के, तो आप सभी जानते होंगे कि आप टोंड मिल्क, डबल टोंड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, एक्स्ट्रा फुल क्रीम मिल्क, लो फैट स्किम मिल्क, लैक्टोज फ्री मिल्क, इन सारे दूध के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि आप ये रोज़ाना अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। एक होता है फ्लेवर्ड मिल्क, और अगर मैं कच्चे दूध की बात करूँ तो कच्चा दूध गाय या भैंस का सीधा दूध होता है जो कि पॉस्चराइज नहीं होता है, और राज्य स्तर पर इसके वितरण को प्रतिबंध बनाने वाले फेडरल कानून के कारण खरीद के लिए यह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अब बात करते हैं मिल्क जो कि प्लांट्स या नट्स से एक्सट्रैक्ट होता है। सबसे पहला होता है बादाम दूध, ये बहुत लोकप्रिय है और जिसे लोग अपने डाइट में बहुत ज़्यादा शामिल भी करते हैं क्योंकि इस दूध में ना ही कोलेस्ट्रॉल होता है और ना ही लैक्टोज होता है। दूसरा होता है सोया दूध। सोया दूध होता है जो सोयाबीन से निकाला जाता है और यह शाकाहारी लोगों के लिए और जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है, और चूंकि यह सोयाबीन के पौधों से निकलता है तो बहुत स्वाभाविक है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी के सैचुरेटेड फैट को भी कम करेगा, और इसमें समान मात्रा में प्रोटीन होता है जो गाय के दूध में होता है। नेक्स्ट है राइस और ओट दूध। राइस और ओट्स का दूध यानी चावल और जई का दूध स्वाभाविक रूप से मीठा होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, एक बात और है कि ये राइस या ओट मिल्क जो होता है वो पोषक तत्वों के मामले में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है और कई बार इसमें चीनी भी मिलाई जाती है। पर अगर अधिक एलर्जी वाले लोग, जिनको दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। अब बात करते हैं नारियल के दूध की। नारियल का दूध दक्षिण पूर्व एशिया और एशिया में बहुत बहुत ही लोकप्रिय है। यह लैक्टोज से मुक्त होता है और यह फलों में आता है, इसलिए इसमें फाइबर, विटामिन सी, B1, आयरन, कैल्शियम, इन सब का बहुत अच्छा स्रोत है। पर एक बात इसके साथ ये है कि WHO उसने इसको अप्रूव नहीं किया है। इस दूध में सैचुरेटेड फैट का लेवल बहुत हाई होता है। फिर बात करते हैं काजू के दूध की। जब काजू को पानी के साथ मिलाया जाता है और उसको ग्राइंड किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप एक मलाईदार तरल पदार्थ मिलता है जिसे हम काजू का दूध कहते हैं। काजू का दूध भी लैक्टोज मुक्त होता है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे कहाँ बनाया गया है। अगर इसे घर में बनाया जाता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है, पर अगर इसे बाहर से किसी कमर्शियल दुकान से ख़रीदा जाता है तो इसमें काफ़ी चीज़ें मॉडिफाई कर दी जाती हैं जो कि सही नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं जानवरों से मिलने वाले दूध की। सबसे पहला काऊ मिल्क। काऊ मिल्क बहुत कॉमन मिल्क है जो सभी, मुझे लगता है सारे लोग ही उपयोग करते हैं। ये वजन कम करने में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी बहुत बढ़ावा देता है, और यह आपके शरीर से फैट कम करने में, आपके हार्ट को सेफ रखने में और आपको डायबिटीज़ होने से ये रोकता है। तो काऊ मिल्क बहुत अच्छा होता है। फिर हम बात करें अगर बकरी के मिल्क की, तो बकरी का मिल्क गाय के मिल्क की तरह ही होता है। ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये फैट को कम करता है और इसमें प्रोटीन और कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत ईजी होता है। फिर बात करते हैं बफेलो मिल्क या भैंस के दूध की। भैंस जो दूध देती है वो काफ़ी फैट हो उसमें काफ़ी फैट होता है और इसमें गाय के दूध के कंपैरेटिवली 2 times ज़्यादा फैट होता है, और इसे बेसिकली बच्चों के द्वारा डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, और इस दूध में भी सैचुरेटेड फैट और ओवरऑल कैलोरी बहुत अधिक होती है। फिर होता है शीप मिल्क। भेड़ का दूध एक अन्य प्रकार के पशु उत्पादित दूध है जो प्रोटीन और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें वसा और कैलोरी भी बहुत मौजूद होती है। फिर है कैमल मिल्क। कैमल मिल्क का स्वाद थोड़ा नमकीन होता है और इसमें विटामिन सी भी बहुत अधिक होता है।
और जनरली इंडिया में इतना ये यूज़ नहीं होता है। इसका उपयोग यूएई में गाय के दूध के सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये गाय के दूध के जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब एक और डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क है जिसको हम कहते हैं A1 और A2 मिल्क। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है A1 और A2 मिल्क और इसमें क्या डिफरेंस है। आप जब मार्केट में जाओगे, किसी बड़ी बड़ी शॉप में जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिखा होगा कि A1 मिल्क एंड A2 मिल्क। अब आपको मैं एक बात और बता दूँ कि दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो दो तरह से पाया जाता है। एक होता है व्हे प्रोटीन और दूसरा होता है कैसीन प्रोटीन। दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन 80% होता है, जो कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का सबसे बड़ा समूह है। और यह दो प्रकार का होता है, अल्फा कैसीन और बीटा कैसीन। इसमें भी अगर हम बीटा कैसीन की बात करें तो यह तीन अलग अलग फॉर्म में आता है, जिसमें से A1 और A2 इसके प्रकार हैं। A1 और A2 गाय का दूध ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। A1 बीटा कैसीन उत्तरी यूरोप, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में जो गाय पाई जाती हैं वहाँ पर पाया जाता है। वहीं अगर हम A2 मिल्क की बात करें तो यह मुख्य रूप से चैनल द्वीप समूह और दक्षिणी फ्रांस में उत्पन्न हुआ है। A1 दूध गाय की स्पेसिफिक नस्लों में पाया जाता है, और अगर इसे कमर्शियली तैयार किया जाए तो उसमें A1 बीटा कैसीन पाया जाता है। जबकि जो A2 दूध होता है, A2 दूध जैसे हमारी जो जर्सी गाय होती हैं, इन सारे गायों से उत्पादित दूध होता है, और बाकी जो मैमल्स होते हैं जैसे बकरी, भेड़, इन सारे दूध से जो मिल्क जनरेट होता है उसको हम A2 दूध के समान ही बोल सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं कि A2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है A1 से। जनरली लोग A2 दूध पीना पसंद करते हैं और उसकी मार्केट में सेल भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि A2 के कई स्वास्थ्य लाभ हैं और यह दूध A1 की तुलना में लोगों को काफ़ी डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। अब एक चीज़ और बता दूँ कि A2 दूध A1 दूध से अच्छा क्यों है। तो प्राचीन समय की गाय जो देसी गाय होती थी वो A2 दूध देती थी। ऐसे में दूध में कैसीन प्रोटीन तो होता ही था, साथ ही साथ उसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता था जो कि प्रोलिन कहलाता था। तो दरअसल दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन पेप्टाइड में बदल जाता था और बाद में एमिनो एसिड का रूप ले लेता था। वहीं A1 जो दूध जो होता था उसमें कुछ अलग एमिनो एसिड पाया जाता था, तो उसके उतने फ़ायदे नहीं थे। तो A1 दूध डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और A1 प्रकार का दूध बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि ये बच्चों के ब्रेन से उनकी मांसपेशियों के बीच होने वाले विकास को रोकता है, और साथ ही साथ बच्चों में डायबिटीज़ की परेशानी भी हो सकती है, और कुछ रिसर्च द्वारा इसको प्रूफ भी किया गया है। फिर है A1 दूध डायबिटीज़ टाइप 1 की समस्या भी पैदा करता है, क्योंकि इससे आपको हृदय रोग, मानसिक आघात, एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। तो यही वजह है कि A2 दूध A1 दूध से बेहतर होता है। हालांकि A1 दूध में भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, पर फिर भी इसके नुकसान को देख करके हमें A2 दूध ही चूज़ करना चाहिए, A1 दूध उतना अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये सभी थे दूध के प्रकार जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होने के साथ साथ नुकसानदायक भी थे। इसलिए कोई भी तरह का आप दूध लें, इसका सेवन करने के पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बेहतर होती है। मुझे उम्मीद है कि दूध के विभिन्न प्रकार और उसके फ़ायदों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।